दोस्तों आज मैं यात्रा करने वाला हूँ हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड से जम्मू तक की। तो आज की मैं ये यात्रा इस स्लीपर बस में करने वाला हूँ जो कि वाया दिल्ली और चंडीगढ़ होते हुए मुझे जम्मू पहुंचाएगी। ये बस लगभग 950 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी और देखते हैं ये बस कितना टाइम लगाती है। तो चलिए फिर चलते हैं इस प्यारी सी जर्नी पे। जी पूरी रात अकेले गाड़ी चलाते आए हैं, तो भाई सैल्यूट है इनको। हमारे साथ दूसरे ड्राइवर थे, उनको कोई फैमिली इशू के कारण वो गाड़ी छोड़ के चले गए दिल्ली से। तो बस का जो फेयर है वो यहाँ हल्द्वानी से जम्मू लोअर स्लीपर बस का 1800 सिंगल स्लीपर का है। ऊपर देख सकते हो आप घने बादल छाए हुए हैं क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पे बारिश वगैरह होती रहती है। यूपी में हम यूपी की फेमस समोसा ट्राई करने वाले हैं, तो हमने यहाँ से समोसे ले लिए। भाई चटनी डाल दी, धन्यवाद। और ये जो पीछे आप गाड़ी देख रहे हो ये है नैनीताल से लुधियाना वाली। बस में आपको वाटर बॉटल सर्विस भी अवेलेबल है, तो अभी भाई साहब सारे पैसेंजर्स को वाटर बॉटल दे रहे हैं। तो जैसे ही हमने उत्तराखंड से यूपी में एंट्री की है, भाई साहब गर्मी एकदम से बढ़ गई है। यहाँ पे कोई मसला हो गया और बस ने लिया है एक वॉशरूम ब्रेक। यहाँ पे सरदार जी का ढाबा है कोई। बस का बोर्डिंग पॉइंट दिल्ली में है ISBT कश्मीरी गेट के बाहर। लगभग 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद दिल्ली से आगे एक जगह पड़ती है मूर्थल, जहां पे है मामा यादव शिवा ढाबा। वहां पे बस ने लिया है डिनर ब्रेक। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजे का और हमारी बस पहुंची है नवा शहर जलंधर रूट पे। वॉशरूम ब्रेक और टी ब्रेक लिया है बस ने। हरे भरे खेत हैं आसपास, काफी ताजी हवा है यहाँ पे। हेमंत जी पूरी रात गाड़ी चलाई, थके नहीं आप? तो जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है मोहित राजपूत और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल मोहित डोगरा ब्लॉग। इस टाइम पे मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड में। हमने ट्रैवल किया था न्यूली लॉन्च्ड बस जो कि जम्मू से हल्द्वानी के लिए लॉन्च हुई थी SMT यानी कि श्री महावीर ट्रैवल्स में। तो भाई आज सुबह ही यानी कि आज 14 तारीख को ही ये गाड़ी यहाँ पहुँची थी लगभग 11 बजे। उसके बाद यहाँ फ्रेश हुए, खाना वाना खाया और अभी जस्ट तैयार होके कंटिन्यू करने लगे फिर से अपनी जर्नी जम्मू की तरफ वापस। तो अभी गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है, यहाँ से गाड़ी का रवाना होने का टाइम है 2 बजे का। बाकी बस की स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बता दी थी, तो इसलिए ये वाला ब्लॉग इतना डिटेल्ड ब्लॉग नहीं रहने वाला है। इस ब्लॉग में मैं बस आपको वापसी का रूट और वापसी का टाइम बताने वाला हूँ, क्योंकि आते टाइम बस लेट थी लेकिन जाते टाइम बस ऑन टाइम है। 2 बजे गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको दिखाऊंगा कितने बजे दिल्ली पहुंचती है, कितने बजे चंडीगढ़ पहुंचती है और कितने बजे हमें जम्मू पहुंचाती है। तो बस का जो फेयर है वो यहाँ हल्द्वानी से जम्मू लोअर स्लीपर बस का 1800 सिंगल स्लीपर का है। तो बाकी चलिए फिर चलते हैं जम्मू की तरफ और दिखाते हैं आपको कि हमारा सफ़र कैसा रहता है श्री महावीर ट्रैवल्स में, क्योंकि आते टाइम तो बहुत बढ़िया जर्नी रही थी। बाकी यार हल्द्वानी घूमने का टाइम नहीं मिला, मैंने सोचा जो 2-4 घंटे बचेंगे घूम लेंगे, बट गाड़ी ऑलरेडी डिले थी जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा, तो उस चक्कर में हम हल्द्वानी नहीं घूम पाए। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो हल्द्वानी ज़रूर घूमेंगे। बाकी ये है अपनी जम्मू वाली गाड़ी जो अभी स्टार्ट हो चुकी है जाने के लिए। और ऊपर देख सकते हो आप घने बादल छाए हुए हैं क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पे बारिश वगैरह होती रहती है। और ये जो पीछे आप गाड़ी देख रहे हो ये है नैनीताल से लुधियाना वाली। नैनीताल तो स्लीपर बस नहीं जाती है, लेकिन ये यहाँ नीचे तक हल्द्वानी तक आती है, आगे ये टैक्सी में पैसेंजर्स को अरेंज करवा देते हैं। तो इस बस में मैंने जर्नी की थी चंडीगढ़ से जयपुर, जिस पे हमने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था।
बाकी ये है कुछ बस की बैक लुक्स, जैसे कि मैंने आपको आते टाइम भी दिखाई थी। तो हल्द्वानी में इनके दो ऑफिस हैं, एक ऑफिस ऊपर है और दूसरा ऑफिस ये है कुमाऊँ यात्रा ट्रैवल्स। और थोड़ा अंदर से आपको बस दिखा देता हूँ, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से है ड्राइवर कैबिन। अशोक लेलैंड की बस है, 160 बस की टॉप स्पीड है, 80 से ऊपर नहीं जाती भाई साहब ये। बाकी गाड़ी अभी टोटल चली है 4006 किलोमीटर। काफ़ी लाइटिंग वाइटिंग दे रखी है, ड्राइवर के सोने के लिए एक एडजस्टेबल स्लीपर है, बाकी वहाँ पे कुछ कंट्रोल्स वगैरह हैं। एक फ्रंट व्यू सीसीटीवी है, कैबिन व्यू सीसीटीवी है, और यहाँ पे वेलकम वगैरह है भाई साहब। स्लीपर चार्ट कि कौन सा स्लीपर कहाँ पे है। खास बात ये है कि इस बस में ड्राइवर के लिए भी एसी दे रखा है भाई साहब। यहाँ पे विराजमान है हमारे भोलेनाथ जी। तो दोस्तों 2:13 पे अपनी SMT रेडी है डिपार्ट होने के लिए जम्मू की तरफ। भाई बस पे मुझे एक चीज़ जो सबसे सुंदर लगती है ना, वो जो ऊपर महादेव वाली दे रखी है, वो चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगती है। और ये जो फ्रंट विंडो पे ओम वाली बिंदी होती है, ये भी मुझे बहुत बढ़िया लगती है। आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी बस की ये कुछ ऐसी फ्रंट लुक्स हैं, वोल्वो 9600 वाली शेप देने की कोशिश की है। अशोक लेलैंड की बस है, AR11E0045 बस का नंबर है। दोस्तों अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा तो ये देख लीजिए, बस का इंटीरियर इस तरह से है। एक्सक्लूसिवली लग्जरियस बस है और बिल्कुल प्रीमियम लुकिंग है भाई, इंटीरियर एकदम बढ़िया है। तो आप सही आ रही है, अंदर की बात कर ले भाई साहब, स्लीपर एकदम चमक रहे हैं, काफ़ी बढ़िया ब्रांड न्यू स्लीपर बस है और लग्जरियस इंटीरियर है बस का, मतलब एकदम प्रीमियम फील आती है बस के अंदर बोर्ड करते ही। इस बार मैंने लिया लास्ट से पहले वाला स्लीपर, सिंगल वाला जिसमें मैं अभी हूँ। अभी हम उत्तराखंड छोड़ के यूपी में हैं, उत्तर प्रदेश में, और इसके बाद हम एंटर हो जाएंगे दिल्ली में। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने स्लीपर में। मैं आपको बता दूँ कि बस में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। बस में आपको मिलता है एक ब्लैंकेट, एक मिल जाती है आपको बेडशीट काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की, यहाँ पे मिल जाता है फ़ोन होल्डर, चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, यहाँ पे कर्टन्स मिल जाएंगे, ग्रीन लाइट मिल जाएगी, वहाँ पे एसी का वेंट, यहाँ पे दो एसी के वेंट्स, और साथ में यहाँ पे प्राइवेसी के लिए कर्टन्स, तो शटर और कर्टन्स दोनों मिलते हैं प्राइवेसी के लिए, ये बहुत ही बढ़िया बात है। वहाँ पे मिल जाएगा आपको शू रैक, पीछे की तरफ आपको एक बैक सपोर्ट मिल जाएगा, वहाँ पे मैट्रेस के साथ एक अटैच्ड पिल्लो भी मिल जाएगा। तो ये आता है अपने रूट का।
फर्स्ट टोल प्लाजा। तो इस बस में आपको वाटर बॉटल सर्विस भी अवेलेबल है, तो अभी भाई साहब सारे पैसेंजर्स को वाटर बॉटल दे रहे हैं। बाकी दोस्तों बात कर लें यूपी की गर्मी की, तो जैसे ही हमने उत्तराखंड से यूपी में एंट्री की है भाई साहब, गर्मी एकदम से बढ़ गई है। बस हमारी फुली एसी बस है, तो बस के अंदर गर्मी नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि एसी बस है तो जाहिर सी बात है बस अंदर से कूल है बिल्कुल। लेकिन जैसे अब हम 2 मिनट के लिए बाहर निकले भाई साहब, एकदम से गर्मी और इतनी गर्मी क्या ही बताऊँ आपको। आपका नाम? अच्छा, तो आप हल्द्वानी ऑफिस संभालते हो। दोस्तों अभी हमारी बस हल्द्वानी से चल के अभी यहाँ यूपी में रुकी है, और अभी यूपी में हम यूपी की फेमस डिश समोसा ट्राई करने वाले हैं। तो हमने यहाँ से समोसे ले लिए। भाई चटनी डाल दी इसमें? अलग से डाली है? ठीक है भाई, धन्यवाद। तो चलिए फिर चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो पिछले लगभग 10 मिनट से हम इस टोल पे फंसे हुए हैं, जाम ही बहुत ज़्यादा लगा हुआ था भाई। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई मसला हो गया, इसीलिए जाम लगा हुआ। दोस्तों अपनी बस चली थी हल्द्वानी से 2 बजे, और टाइम हो रहा है अभी लगभग 6 बजे का, और बस ने लिया है एक वॉशरूम ब्रेक यहाँ पे, सरदार जी का ढाबा है कोई यहाँ पे, क्योंकि ये बस अभी ऑन दी वे टू दिल्ली है, इसीलिए गाड़ी पूरी फुल है। बाकी आगे दिल्ली जाके गाड़ी खाली हो जाएगी। तो दोस्तों ये है गंगा घाट, और ये जगह जो है ये जगह पड़ती है पलवाड़ा, उत्तर प्रदेश में ही है अभी तक हम। इसके बाद जो हम स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी एंटर करेंगे वो है दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया। बाकी यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली मार्केट है, देख सकते हो आप, हाथ से बनाई हुई चीजें हैं काफी ज्यादा। भाई साहब ये मार्केट खत्म हो ही नहीं रही है, बहुत लंबी मार्केट है ये तो। दोस्तों ये है दिल्ली का गाजियाबाद एरिया, और ये खड़ी है अपनी SMT ट्रैवल्स, यहाँ पे पैसेंजर्स को ड्रॉप कर रही है दिल्ली गाजियाबाद में। और अभी इसका जो नेक्स्ट ड्रॉपिंग एंड पिकअप पॉइंट है वो है ISBT कश्मीरी गेट दिल्ली। हेलो।
दोस्तों बस का बोर्डिंग पॉइंट दिल्ली में है ISBT कश्मीरी गेट के बाहर। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के 12:08 का। हमारी बस ने सफ़र शुरू किया था हल्द्वानी उत्तराखंड से कुल 2 बजे, और उसके बाद बस ने बीच में 2 टी ब्रेक लिए, जिसमें एक वॉशरूम ब्रेक था और एक टी ब्रेक था। लगभग 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद दिल्ली से आगे एक जगह पड़ती है मूर्थल, जहाँ पे है मामा यादव शिवा ढाबा। वहाँ पे बस ने लिया है डिनर ब्रेक, और यहाँ पे डिनर विनर करके फिर हम रवाना हो जाएंगे जम्मू के लिए। यहाँ से जम्मू की दूरी लगभग 550 किलोमीटर की है, और अभी जल्दी जल्दी खाना वाना करते हैं और फिर चलते हैं अपने जम्मू की तरफ। तो ये है शिवा मामा यादव ढाबा। दोस्तों अभी 12:37 हो गए हैं और गाड़ी अपनी लगी है जाने के लिए। सर हो गया टाइम? तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4, और हमारी बस ने लगभग अपना आधा डिस्टेंस कवर कर लिया है। लगभग 450 से 500 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद बस पहुंच गई है चंडीगढ़, और पैसेंजर्स को ड्रॉप कर दिया ISBT 43 के बाहर। और अभी हमारी बस यहाँ पर डीजल रिफिल करवा रही है, और अभी इसका जो आगे पेंडिंग सफ़र है वो भी लगभग 4 किलोमीटर का है। चलते हैं यहाँ से जम्मू की तरफ, और गाड़ी थोड़ी डिले होगी भाई ड्यू टू ट्रैफिक जाम। चलिए फिर चलते। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजे का, और हमारी बस पहुंची है नवा शहर जलंधर रूट पे। वॉशरूम ब्रेक और टी ब्रेक लिया है बस ने। बाकी ये देखिए कुछ मॉर्निंग व्यू पंजाब का, काफ़ी सुंदर और हरे भरे खेत हैं आसपास, काफ़ी ताज़ी हवा है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों अभी हम भी यहाँ पे चाय वाय पीते हैं और फिर निकल जाएंगे अपने जम्मू की ओर। Yeah.
ताजा ताजा ही है। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 7:53 का और हमने जालंधर क्रॉस कर लिया। पठानकोट यहाँ से 60 किलोमीटर। सर गुड मॉर्निंग। हाँ हेमंत जी, पूरी रात गाड़ी चलाई, थके नहीं आप? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे साथ दूसरे ड्राइवर थे उनको कोई फैमिली इशू के कारण वो गाड़ी छोड़ के चले गए दिल्ली से, और वो छुट्टी पे चले गए, और उसके कारण से हेमंत जी पूरी रात अकेले गाड़ी चलाते आए हैं। तो भाई सैल्यूट है इनको, इन्होंने एक झपकी भी ली नहीं ली नींद की, और बिना सोए हुए पूरी रात गाड़ी चलाते हुए आए हैं। बाकी देखिए अभी भी हमारा सफ़र पेंडिंग है, और देखिए कुछ इस तरह से आगे का व्यू है, सुबह का मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है। बॉटल्स ली थी तो मैंने साथ में रखी है, कहीं डस्टबिन में डिस्पोज कर दूंगा, ये थोड़ी मतलब होता है गाड़ी में कर दो। ये देखो अगर ऑपरेटर अच्छी फैसिलिटी दे रहा है थोड़ा पैसेंजर्स को भी समझना चाहिए। बाकी खैर छोड़ो, ये था मेरा स्लीपर, काफ़ी मज़ा आया इसमें सोने का। ड्रॉपिंग पॉइंट आने वाला है तो बैग मैंने अपना तैयार कर लिया है। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:10 का, एंड गाड़ी पहुंची है पठानकोट। बस में भाई जम्मू की कोई सवारी नहीं है, ओनली 2 सवारी है, बाकी सारी पठानकोट तक की बुकिंग थी, और जो वापसी के टाइम बुकिंग है वो भी पठानकोट से लेके है। तो गाड़ी वाले बोल रहे हैं कि आगे नहीं जाएंगे, यहीं से अरेंज करवा देंगे पैसेंजर्स को दूसरी बस में, क्योंकि पीछे भी इनके साथ कोई अटैच्ड बस है जो जयपुर से जम्मू चलती है, इन्हीं की पता नहीं अटैच्ड बस है, तो उसमें ही ये
उनको करवा देंगे ट्रांसफ़र। और खैर मेरा तो यहाँ से 10-15 किलोमीटर का सफ़र है, मैं भी उस बस में कर लूँगा। बाकी बस में यात्रा काफ़ी बढ़िया रही। बाकी मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टाटा, बाय बाय।